जी स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखें, लिखा हुआ ब्रैकेट में 3 × 44 और आ गया डिवाइडेड बाय 4। इसमें दो ऑपरेशन हैं, इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो, तो वो हम इस रूल की हेल्प से सॉल्व करते हैं, बोर्ड मैथ्स। इस रूल के मुताबिक जब क्वेश्चन में ब्रैकेट आए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये बी का मतलब ब्रैकेट होता है। जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाए फिर हम ऑफ सॉल्व करते हैं। ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। और ऑफ के बाद में ये डी का मतलब डिवाइड है, फिर हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई और फिर ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्ट। इस रूल के मुताबिक जब एक क्वेश्चन में ब्रैकेट और ऑफ सॉल्व हो जाए तो फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड में इन दोनों में से जो ऑपरेशन पहले होगा वो हम पहले भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन में पहले मल्टीप्लाई आ जाए तो बाद में डिवाइड हो तो पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर डिवाइड पहले आए तो पहले डिवाइड भी कर सकते हैं। इसमें तो पहले डिवाइड है तो पहले डिवाइड ही करते हैं। अगर मल्टीप्लाई पहले आ जाए हम वो भी सॉल्व कर सकते हैं। और जब डिवाइड और मल्टीप्लाई ख़त्म हो जाए, सॉल्व हो जाए, फिर हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस। इन दोनों ऑपरेशन में से जो पहले आ जाए ऑपरेशन, यानी कि माइनस पहले आ जाए तो पहले हम माइनस सॉल्व कर सकते हैं। अगर पहले प्लस आए तो पहले प्लस करते हैं। अब हम इसी रूल की हेल्प से ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस बोर्ड में इस रूल के मुताबिक पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट का आंसर हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। हम 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, 44 को मल्टीप्लाई 3 से किया है तो क्या आंसर आया, 132। ये वाला आंसर हम इन्हीं के नीचे यहाँ लिख देंगे, 132। अब हम ये 132 को डिवाइड करेंगे 4 से। जी, इस 132 को 4 पे डिवाइड किया, यहाँ देखें क्या आंसर आया, 33। अब ये 33 हम इस ब्लैंक में लिख देंगे, 33। इसी तरह ये ब्लैंक्स भी फिल हो गई और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व भी हो गया, ये आंसर 33 है। अब इसी तरीके से ही हम ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसमें देखें, मल्टीप्लाई भी है, ब्रैकेट भी और माइनस भी। तो इसमें पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसमें 44 को डिवाइड करेंगे 4 से, जो आंसर आएगा हम इसी के नीचे इस ब्लैंक में लिखेंगे। 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा आंसर। 4 × 11 = 44 होता है, तो यहाँ हम 11 लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन में दो ऑपरेशन रह गए हैं, मल्टीप्लाई भी और माइनस भी। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 11। तो इनका आंसर हम इन्हीं के नीचे इस ब्लैंक में लिखेंगे, 11 × 3 = 33। तो यहाँ 33 आ जाएगा। अब इसके आगे ये देखें, -6 है, ये ऐसे ही नीचे आ गया, -6। अब हम ये 33 से ये माइनस करेंगे 6, जो आंसर आएगा हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। 33 − 6 करेंगे तो 27 आएगा, 27 यहाँ लिखेंगे। अब इसी तरह ही हम ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इसमें देखें, प्लस भी है और ये ब्रैकेट भी और मल्टीप्लाई भी और माइनस भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम। इसमें हम 64 को पहले डिवाइड करेंगे 16 से, जो आंसर आएगा हम इसी के नीचे इस ब्लैंक में लिखेंगे। 64 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, क्योंकि 16 × 4 = 64 होता है। तो 4 हम इसके नीचे इस ब्लैंक में लिखेंगे, 4। अब इसके आगे देखें, बाकी दोनों नंबर ऐसे ही नीचे आ गए, मल्टीप्लाई 3 − 21। तो ये 9 और प्लस भी ऐसे ही नीचे आ गया। अब इस स्टेप में पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3। तो इनका आंसर हम इस ब्लैंक में लिखेंगे, 4 × 3 = 12 आंसर आएगा, 12 यहाँ लिखेंगे। अब इस स्टेप में देखें, इसमें दो ऑपरेशन रह गए हैं, प्लस भी और माइनस भी। तो इन दोनों में पहले क्या है, पहले प्लस है, तो पहले हम प्लस कर देंगे, 9 + 12। इनका आंसर आएगा 21। तो 21 हम इस ब्लैंक में लिख देंगे, 21। अब हम ये 21 में से ये 21 माइनस करेंगे, तो इनका आंसर हम इस ब्लैंक में लिखेंगे, 21 - 21 तो 0 आएगा आंसर, 0।